हाय फ्रेंड्स, मैं नीतू आपके अपने चैनल नीतू हॉबीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोग के साथ सावित्री पूजा का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। सॉरी थोड़ी लेट हो गई क्योंकि सावित्री पूजा की, उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वीडियो एडिट नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मैं देखिए आलता लगा रही हूँ क्योंकि सावित्री पूजा में हमारे यहाँ क्या है कि आलता, नेल पॉलिश, मेहंदी सब लगा के पूजा किया जाता है, बिल्कुल दुल्हन के जैसा तैयार हुआ जाता है। और स्पेशली ये आलता लगाना मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस तरह के फेस्टिवल का वेट करती रहती हूँ कि कब आलता लगाने वाला फेस्टिवल आए कि मैं ये लगाऊँ। ये देखिए इस तरह से मैं, मुझे अच्छे से लगाना तो नहीं आता है लेकिन फिर भी जो भी है मुझे मस्त लगता है इस तरह से भी लगाना। और यहाँ पे मैं ये सावित्री पूजा के लिए स्पेशल बैंगल्स तैयार करवाई हूँ। ये देखिए इसमें मेरा और मेरे हस्बैंड का फ़ोटो लगा हुआ है एक तरफ, और इसके दूसरी तरफ इसमें नाम लिखा हुआ है मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो ये मैं जब देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सावित्री पूजा के लिए स्पेशली बनवाई। अभी मैं देखिए यहाँ पर तैयार हो करके बर के पेड़ के पास पहुँच गई हूँ, क्योंकि मैं ओडिशा में रहती हूँ तो यहाँ पे लोग सावित्री पूजा करते हैं, बट यहाँ पे लोग मंदिर में करते हैं, शिव पार्वती के मंदिर में जाकर सावित्री पूजा करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा बर के पेड़ के पास भीड़ नहीं रहता है, तो मेरे लिए एक तरह से अच्छा भी है। और थोड़ा सा मिस करती हूँ बिहार को, क्योंकि बिहार में तो बहुत ज़्यादा बर के पेड़ के पास भीड़ इस समय रहता है, इतने आसानी से पूजा मुझे करने में नहीं बनता। यहाँ पर मैं हल्दी बर के पेड़ में लगा दी हूँ और थोड़ा सा चावल का आटा लगाया जाता है स्टार्टिंग में, फिर सिंदूर रोड़ी जो भी पूजा का स्टार्टिंग में होता है प्रोसेस वो मैं कर रही हूँ। इसमें मौसमी फ्रूट हम लोग चढ़ाते हैं, कुछ लोग घर से भी बना के कुछ मीठा ले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाई, मैं कुछ मीठा मार्केट से ही मंगवा ली थी। मौसमी फ्रूट जैसे तरबूज का सीजन है, लीची का सीज़न है, ये सब लोग यहाँ चढ़ाते हैं सावित्री पूजा में। पंखा इसमें मेन होता है, पंखा रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो पूजा होता का प्रोसेस होता है वो मैं कर रही हूँ, और बड़े आराम से बैठ के मैं पूजा की क्योंकि और कोई नहीं था। लास्ट में जब पूजा मैं कर रही थी कुछ लोग आए थे, अभी कोई नहीं। बरका पेड़ तो वैसे भी बहुत घना और बड़ा होता ही है। यही है कि यहाँ थोड़ा अकेले करना पड़ता है तो उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो भी है अपना कल्चर तो जहाँ भी रहो उसको फॉलो करना ही पड़ता है, और मुझे फॉलो करना अच्छा भी लगता है। मैं बट ब्रिज के फेरे ले रही हूँ, मौली के साथ लिया जाता है, आप जिसको जितना हो पाता है 7, 11 या 108 तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन इतनी गर्मी में 108 कर पाना मुश्किल होता है, तो मैं 11 फेरे ली हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है,
यहाँ पे सब्जी बेचने वाले भी लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वट वृक्ष के पास पूजा करता नहीं है, तो ये लोग यहाँ पे लगाए हुए हैं। हर फेरे में प्रसाद चढ़ाया जाता है और थोड़ा सिंदूर रोली लगाकर खुद को भी सिंदूर लगाया जाता है। मैं वही प्रोसेस यहाँ पे कर रही हूँ। फेरा लेने के बाद आरती किया जाता है। मैं आरती कर ली हूँ, अपने पतिदेव को आरती लेने के लिए दे दी हूँ। अभी मेरे साथ यही गए हुए थे। अभी कुछ एक दो लोग आ गए हैं। यहाँ पे मैं वट वृक्ष का पंखा झल रही हूँ। लोग ऐसा बोलते हैं कि पंखा जितना अच्छे से झलो उतना पतिदेव कूल रहते हैं पूरे साल, ठंडे ठंडे, गुस्सा उनको कम आता है। यहाँ वट वृक्ष का पूजा कंप्लीट हो गया है मेरा। जहाँ पे कुछ वैसा बोलने लायक नहीं तो वहाँ पे मैं म्यूजिक डाल दी हूँ। आई होप आप सब म्यूजिक के साथ पूजा को एंजॉय कीजिएगा। अभी मैं वट वृक्ष के गले मिल रही हूँ। आप लोग के यहाँ ये वट सावित्री पूजा कैसे होता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा सावित्री पूजा का ये वीडियो कैसा लगा। यहाँ पूजा के बाद हम लोग 5 सुहागन स्त्रियों को, लेडीज लोग को, जो भी 5 या 11 जितने लोग हैं उनको सिंदूर लेते हैं, लगाते हैं और लगवाते भी हैं। और फिर उनको हम लोग खोइंछा देते हैं, जिसमें कि आप सीजनल फ्रूट का जो प्रसाद चढ़ाते हैं वही दिया जाता है प्रसाद के रूप में। तो कभी कभी तो नहीं कुछ लोग मिल पाते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको बताई कि यहाँ पे नहीं, लेकिन अक्सर मुझे कुछ लोग मिल ही जाते हैं, तो मैं उनको वही लगा रही हूँ सिंदूर जो कुछ लोग आए हुए थे उनको, और लगवा ली, उनसे ब्लेसिंग ले ली। सावित्री पूजा करके घर आ गई हूँ। घर आने के बाद पतिदेव का पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले पैर धो रही हूँ। पतिदेव खूब मज़े ले रहे हैं। काश बट सावित्री पूजा डेली डेली आता और मेरी बल्ले बल्ले होती। मेरी आज इतनी पूजा हो रही है, तिलक लगा रही हूँ यहाँ पे, और वो मस्ती कर रहे हैं, मजाक और चल रहा है यहाँ पे, आरती। आप लोग को मेरा ये वट सावित्री पूजा का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी भी मेरी आवाज़ पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो जहाँ अगर क्लियर आवाज़ नहीं हो गई होगी आप लोग के पास तो सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी कफ हो गया है मुझे। पूजा ये सब करने के बाद थोड़े से मैं अपने टेरिस पे थोड़ा क्लिक ली, क्योंकि भाई साड़ी मैं इतने मेहनत से पहनती हूँ तो आप लोग को पता ही है कि मैं थोड़े क्रिक लेकर ज़रूर रखती हूँ। Thank you.
टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।